जैसे जुलाई का मंथ बर्बाद हो चुका था आपका, अगस्त का मंथ भी हो चुका है, या मेरे 100 दिन ऐसे होंगे जब मैं अपने घर पर बैठकर टेबल पर पढ़ाई कर सकूंगा, आएंगे तो यकीन मानिएगा एग्जामिनर भी मजबूर हो जाएगा आपको 100% मार्क्स देने से। हाई बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट कैसे भी आप लोग, मेरा नाम है काशु, स्वागत करता हूं आपका सीयूटीबाई सुपर ग्रैड पर। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे कि फैब से आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, और भाई अगस्त का मंथ भी जा चुका है, जैसे जुलाई का मंथ बर्बाद हो चुका था आपका, अब अगस्त का मंथ भी हो चुका है, लेकिन अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या एक प्रूवन स्ट्रैटेजी आपके लिए हो सकती है, टॉपर्स द्वारा क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है इस टाइम फ्रेम में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या अभी भी 97% मार्क्स बोर्ड में लाना पॉसिबल है या नहीं, तो उसके बारे में भी यहां पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले देख लें कि ये देखते हैं कि आपके पास टाइम कितना बचा है। देखिए सितंबर से लेकर फैब मंथ, तो फैब मंथ को आप बिल्कुल भी कंसीडर मत करना कि यहां पर आप कुछ नया सीखने वाले हैं, यहां पर आप नया कतई नहीं सीख सकते। हाँ आप कुछ रिवाइज कर सकते हैं, हाँ आप कुछ सैंपल पेपर्स लगा सकते हैं, अपने आप को आजमा सकते हैं, अपने आप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ नया सीखेंगे ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करना अपने आप से। तो आपको जो सितंबर से लेकर जनवरी मंथ ये टाइम फ्रेम लेकर चल रहा है, मतलब आपके पास कुल मिलाकर कितने मंथ्स होने वाले हैं, 5 मंथ्स होने वाले हैं, और इन 5 मंथ में 153 दिन 153 डेज बैठते हैं, और 153 डेज में भी 14 दिन तो यार फेस्टिवल्स आपके निकल जाएंगे भाई, दशहरा, दिवाली और भैया दूज गोवर्धन, फिर 25th of December और फिर न्यू ईयर आ जाएगा, और इसको हटा इन सबको लगा के भाई 15 डेज, और 15 डेज के आपके हाफ ईयरली, तो 15 + 15 30 डेज के आपके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स में निकल जाएंगे, उसकी भागा दौड़ी में, उसकी प्रिपरेशन करने में, उसी केवल उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या क्या आपको चाहिए वो सब चीजें देखने में, और 10 दिन आपके प्रैक्टिकल्स में निकाल लो। तो अगर मैं अपनी प्रिपरेशन जो मैथमेटिक्स होती है उसको मैं लगाता हूं, तो यहां पर देखता हूं कि यार लगभग 99 या 100 दिन ऐसे बैठते हैं, या मेरे 100 दिन ऐसे होंगे जब मैं अपने घर पर बैठकर टेबल पर पढ़ाई कर सकूंगा बिल्कुल कंटिन्यूअसली। तो यहां पर आपको 100 दिन मिलते हैं, और ऐसे 7 घंटे की सेल्फ स्टडी जहां पर आपको नोट्स भी बनाने होंगे, कुछ वीडियोस भी देखनी होगी, एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी, टेक्स्ट बुक भी पढ़नी होगी, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी लगाने होंगे, सैंपल पेपर्स भी लगाने होंगे, तो इन सब को लगाते हुए मैं बोल सकता हूं कि 4 घंटे की ऐसी प्रोडक्टिव स्टडी, 4 घंटे की ऐसी स्टडी जिसको करने के बाद आपके पास आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार कुछ भी लिया हो आपको मैं फोड़ दूंगा, इस चैप्टर से कोई सा भी सवाल आ जाए मैं धुआं उठा दूंगा। तो इस तरीके से 4 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी आपको लगाकर चलनी है। अगर 4 घंटे की नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो भाई मुझे बताना, आई विल हेल्प यू आउट। इसके अलावा यहां पर देखो हाउ टू स्टडी, किस तरीके से स्टडी करनी है। देखो वन शॉर्ट वीडियोस इस चैनल पर ऑलरेडी जा रहे हैं, वन शॉर्ट वीडियोस गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। उसी वन शॉर्ट वीडियो से आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। ध्यान रखना किसी के बने हुए नोट्स और आपके बनाए हुए नोट्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। जब आप किसी लाइन को पढ़कर, किसी लाइन को समझकर उसको अपनी कॉपी में, उसको अपने पन्नों पर उतार लेते हैं, तो वो जो बात है आपके जहन में काफी टाइम तक रहती है, फिर उसको बस रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद टेक्स्ट बुक, जो भी टेक्स्ट बुक है, चाहे प्रदीप की हो, आरडी शर्मा हो, या अरियन पब्लिकेशन की हो, कोई भी टेक्स्ट बुक हो, जरूर आपके पास कम से कम एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, क्योंकि वो काफी हद तक आपकी हेल्प करती है। क्वेश्चंस की वैरायटी आपके सामने लेकर आती है, थ्योरी के साथ एग्जाम्पल लेकर आती है, थ्योरी के साथ कुछ एडिशनल मटेरियल भी लेकर आती है जो कि आपकी हेल्प करता है इन प्रिपेयरिंग दी वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे वो सीयूटी का हो, जेई का हो, नीट का हो, किसी भी तरह का हो। फिर इसके बाद यू हैव टू रीड दी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज अ थिंग दैट यू कांट स्किप। अगर आप ऐसे क्लास 12 के स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक एनसीईआरटी नहीं खोली है और आपने टेक्स्ट बुक खोली है जो कि आपके स्कूल में बता दी गई है कि यार आपको यही टेक्स्ट बुक पढ़नी है, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। एनसीईआरटी को स्किप करना सबसे बड़ी बेवकूफी है, मेरी बात मानो। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी पढ़ते हुए जो भी लाइन आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी लॉ, कोई भी फॉर्मूले है, उनको हाईलाइट करते चलो। अब जैसे जैसे आप वो हाईलाइट करेंगे तो वो आपके नोट्स बन जाएंगे, तो इन नोट्स को आपको रेगुलर पढ़ना है। फिर टाइम फॉर द रिविजन, 1-4-9 प्लान, तो मैंने एक 1-4-9 प्लान यहां पर ये सजेस्ट किया है कि अगर आप पहले दिन कोई चैप्टर पढ़ो, आपने कोई पहले दिन चैप्टर पढ़ लिया, फिर आप उसको चौथे दिन रिवाइज करो, फिर चौथे दिन रिवाइज करा, फिर उसको इस पहले से 9वें दिन रिवाइज करो, 9th डे पर रिवाइज करो। इससे क्या है, एक ही चैप्टर 3 बार आपके दिमाग में चला जाएगा और छोटे छोटे फ्रेम पर ही जाएगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी उस चैप्टर को लेकर, और आप मतलब एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा वो चैप्टर को लेकर। इसके बाद मैं यहां पर बात करूं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू जो एक तो आपने ले लिया कि यार 2015 का, 16 का, 17 का पेपर ऐसे उठा लिया,
2023 का 22 का पेपर ऐसे ही उठा लिया, 2023 का पेपर ऐसे ही उठा लिया। एक इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आपके हाथ में हो चैप्टर वाइज एमसीक्यू, आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके चैप्टर पढ़े हैं, आपने पार्टनरशिप पढ़ लिया, अगर आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू हाथ में है लगाने के लिए, तो आप सोचो कि यार आपका आपको कैसे पता चलेगा कि लेवल एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है, लेवल एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गोना नो। इसके बाद प्रैक्टिस दी रियल एग्जाम क्वेश्चंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। इसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाओगे पीवाईक्यू से, सैंपल पेपर से, और क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कॉन्फिडेंस के, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने लगा लिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि डेली भाई 15-20 सवाल लगा रहा है, 15-20 सवाल लिख रहा है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस देखना किस लेवल पर चला जाएगा। बोर्ड एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, फोड़ के रहोगे भाई, ठीक है। तो इससे क्या आपकी आंसर राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो फ्रॉम द डे वन यू हैव टू प्रैक्टिस दी चैप्टर वाइज एमसीक्यू एंड दिस सैंपल पेपर्स एज वेल। इसके अलावा यहां पर मैं बात करूं 5 things दैट रियली गोइंग टू हेल्प यू, कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट हो सकता है कि आपकी क्लास में भी हो रहे हो सकता है कि कोई कोचिंग में भी आपको प्रोवाइड कर रहा हो सकता है कि आपके बुक्स में दिए हुए हो, टेक्स्ट बुक के जो बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट होता है उनको लगाओ, जिनमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर, केस स्टडी बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड, सब कुछ होता है, एमसीक्यू भी होता है। फिर यहां पर यूनिट टेस्ट, भाई आपने देख लिया कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ ली, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ ली, या कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली, भाई इस यूनिट से जो सवाल है वो आपने लगा लिए। फिर इसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आप इन हाफ ईयरली एग्जाम्स को सीरियसली लेंगे। देखिए मैं मानता हूं बोर्ड एग्जाम आपका एक लक्ष्य है, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम, बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम आपको सीरियसली लेने पड़ेंगे अगर आप वास्तव में उस एग्जाम में परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि आपका वेट कर रहा है 15th February से। तो आपको इन दोनों एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। कोचिंग के टेस्ट, जो भी कोचिंग में आप जाते हैं, नहीं जाते कोई बात नहीं, वी विल प्रोवाइड यू, मिल जाएंगे टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोचिंग के टेस्ट भी आपको मिलने हैं, उनको सीरियसली आप लगा रहे हैं, तो मेरा यकीन मानिए 97% लाने से मतलब दुनिया की कोई भी कायनात आपको नहीं रोक सकती। इसके अलावा देखो यूज एवरीवेयर एनसीईआरटी नोट्स, जो आपने एनसीईआरटी नोट्स बनाए हैं ना, जो ये जो भी टेस्ट है इनका, जो भी आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं, आप एनसीईआरटी के अपने नोट्स यूज करिए। आप एनसीईआरटी के जो की टू लाइन जब लिखेंगे, जब आप वही की वही से डेफिनेशन उठाएंगे, एग्जाम्पल उठाएंगे, लॉज उठाएंगे, या फॉर्मूले बिल्कुल ऐसे उठाएंगे, तो यकीन मानिएगा एग्जामिनर भी मजबूर हो जाएगा आपको 100% मार्क्स देने से। 100% मार्क्स मिलेंगे आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 5 के 5 मार्क्स देगा, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जामिनर को रट्टी होती है, एग्जामिनर जानता है कि भाई इस बच्चे ने एनसीईआरटी से यह सवाल लिखा है। सो दीज आर दी थिंग्स जिनको मैं बोलता हूं कि ये आंसर राइटिंग स्किल्स और सेल्फ असिस्टेंट प्रोग्राम्स हैं, केवल इन्हीं की वजह से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आते हैं। तो सेप्टेंबर से लेकर जनवरी मंथ आपको यही सब कुछ करना है। अगर इसके अलावा कुछ और करते हो, माना आपने 20 जगह से स्टडी मटेरियल ले लिया, 20 जगह से पढ़ रहे हो, 20 टीचर से पढ़ रहे हो, 20 वीडियोस देख रहे हो, तो भाई बहुत परेशान हो जाओगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक वीडियो देखो और उससे नोट्स बनाओ, फिर एनसीईआरटी पर अपनी टेक्स्ट बुक पर आ जाओ, फिर अपनी एनसीईआरटी पर आ जाओ, और जब क्योंकि एनसीईआरटी पहली बार में उठाओगे समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी का ग्राफ जो है, मैं उसको ऐसे बोलता हूं कि एनसीईआरटी का ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे 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 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे 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 आ रहा है। तो पहले आप तैयार हो जाओ कि यार अब मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। फिर धीरे धीरे जब आपको एनसीईआरटी समझ में हो जाएगी, जब आपकी एनसीईआरटी से दोस्ती हो जाएगी, तो आपको फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी एनसीईआरटी पढ़ पाओगे। सो गाइस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन दिस वीडियो। और हाँ, इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, देन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर जो कि 7676564400। थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज आकाश शर्मा साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, मिलते रहेंगे।